Hi guys, welcome back to the Sports Republic, and not the usual face here with us. We have Yash Shetty and not Shashank Chaudhary. We are definitely missing Shashank Chaudhary, especially after DC defeat. DC ke defeat ke baad mein toh pakka uski yaad to aa rahi hai. Vignesh, matlab our usual suspect. And what crazy games, right? मतलब एक तो यार ये चीज जो हुआ है आज कि दोनों साथ में, ये बहुत मुश्किल है भाई, बहुत मुश्किल है. स्पेशली मतलब दोनों अच्छे गेम्स आ रहे हैं, इधर इधर मारामारी चल रहा है, इधर ये चल रहा है, वो चल रहा है, तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था. बट फाइनली सम हाउ वी मैनेज टू होल्ड ऑन टू बोथ द गेम्स. एंड लेट्स स्टार्ट विद आवर न्यू गेस्ट यश शेट्टी. व्हाट आर योर फर्स्ट थॉट अबाउट लास्ट 3-4 आवर्स की ऑडियंस? वो गेम साथ में होने का नेक्स्ट ईयर काफी नॉर्म हो सकता है, तो बी प्रिपेयर्ड. और दूसरा चीज भाई, व्हाट अ डे यार, व्हाट अ डे मैन. मतलब फर्स्ट इनिंग्स जो मुंबई ने किया, दोनों गेम साथ में चालू हुआ ठीक है, बट फर्स्ट इनिंग्स इट वाज द अदर गेम, दो अदर गेम. मैन, आई एम सो हैप्पी सीइंग. मैं बहुत क्रिटिकल रहा हूँ ईशान किशन के सिलेक्शन के बारे में ओवर द पास्ट कपल ऑफ वीक्स, एंड आई स्टिल थिंक आई वाज राइट एट दैट पॉइंट. बट द लास्ट कपल ऑफ गेम्स लाइक टुडे एंड द लास्ट गेम दे प्लेड, अनबिलीवेबल. और स्काई क्या कर रहा था भाई, वो उमरान मलिक को घुमा के, मतलब वो कभी भी 150 में डाल सकता है, तू समझ रहा है. और ये एक लग भी गया भाई उमरान मलिक ने, मतलब स्काई का वो क्वालिटी भी दिख गया फर्स्ट इनिंग. एंड मैं एक सेकंड के लिए सोचने लगा डीके कि हाउ क्रेजी विल इट बी इफ दे, मतलब एंड दे हैव द मतलब आर्टिलरी, समझ रहे ना. बुमराह या पहले स्पेल में 3-4 विकेट ले लिया, गेम ओपन है, तू समझ रहा है. 171 का अगर डिफीट भाई, और ऊपर से ये विलियमसन नहीं है जो एक पक्का प्लेयर मतलब था ये लोग का कि 20 ओवर खेलेगा ये, मतलब नॉट आउट रहना है तो मतलब शॉर्ट शॉर्ट वो. और फिर ये आरसीबी वाला गेम, पहले तो भाई आई वाज अपना चीकू भाई पे आज बहुत होप्स था कि चलो प्लेऑफ से पहले एक कुछ करेंगे, गए. बट भरत यार, मतलब वाव मैन, मतलब ये फीलिंग ही नहीं पता है ना हम लोग को कि आखिरी बॉल पे सीजन में, तो समझ, ये फीलिंग ही नहीं पता है हमको. एंड लास्ट बॉल पे छक्का क्या होता है भाई, मतलब वो हुआ. और भाई ये विराट का एक्साइटमेंट देखने में बहुत मस्त लगता है यार, मतलब इतना एक्सपीरियंस, इतना सब क्रिकेट में देख चुका है और वो अभी भी इज सो पम्प्ड. कितना खुश था उसका प्रेजेंटेशन में भी, वाज वेरी हैप्पी. ग्रेट ग्रेट फिनिश, great end great to the finish. Day man, wow. yeah great end to the day. Aur yash ne iske bare mein baat kiya ishan kishan ke bare mein, so ki shashank nahi hai to mere ko kaam karna hai. Got some stats, theek hai. Highest strike rate of an opener in an IPL innings of 75 plus runs, okay. First usual Chris Gayle when he scored 175, 265 ka ye tha strike rate tha. Aaj ishan kishan is now second, 263 का स्ट्राइक रेट, 84 रन्स में 263 का स्ट्राइक रेट. फिर बाद में हैव एडम गिलक्रिस्ट, सनत जयसूर्य, केएल राहुल विद 243, 238 बट एंड 233. लेकिन ईशान किशन से शुरुआत करते हैं, विग्नेश के साथ भी. फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज सो गुड टू हैव 3 आरसीबी फैंस इन वन रूम हियर. And then Yash has summed it up so beautifully. मतलब he has touched all the, मतलब जो दिल को छुआ आज, मतलब दिल जिसे खुश हुआ, he touched all those points. तो ईशान किशन ने आज बहुत अच्छी लाइन बोली यार प्रेजेंटेशन में. He said कि विराट भाई told me that you are selected as an opener, so be prepared for that. And he has shown कि मतलब हाँ, and he has shown कि मतलब if given that abundance, जो abandonment बोलते हैं ना, gay abandon के साथ आप जाके खेलो, ईशान किशन माइट प्रूव टू बी अ तुरुपका इक्का. मतलब कोई भी गेम में अगर आपको लॉन्च करना हो, यू कैन डू दैट. उसके लिए ऐसा नहीं है, मतलब ही हैज शोन कि अगर 4-5 गेम में भी आउट ऑफ फॉर्म हो, बट सडनली ही कैन हिट फॉर्म बैक. सो अ वेरी वेरी गुड साइन. एंड मतलब दे हैड नथिंग टू लूज हियर, बेसिकली बोथ द टीम्स हैड नथिंग टू लूज. एंड इंसिडेंटली दे एंडेड अप पोस्टिंग देयर हाईएस्ट इंडिविजुअल टीम स्कोर्स दिस सीजन. एसआरएच भले हारी, बट 193 वाज देयर हाईएस्ट स्कोर दिस सीजन. सो मैड मैड गेम एंड अ सुपर फ्राइडे. सुपर फ्राइडे अगेन यार, मतलब इफ यू टॉक अबाउट एसआरएच, तो पहली बात मेरे को टॉस पर देख के बहुत बुरा लगा. पहली बात तो लेट्स लाइक वहां से आके इस एंगल पे आई रियली वांट टू कम, क्योंकि आई वाज रियली होपिंग वार्नर टू बी ऑन दैट, टू बी इन दैट साइड यार. मतलब स्पेशली अगर केन विलियमसन नहीं है तो तुम पक्का खिलाओ यार उसको. मतलब इट कुड हैव बीन हिज लास्ट गेम फॉर एसआरएच, आई मीन मोस्ट प्रोबेबली इट इज. लेकिन वार्नर को नहीं खिलाना, आई थिंक, डू यू थिंक यार जिसने एसआरएच को यहाँ पर लाया है, आई मतलब
मैं थोड़ा सा बायस्ड हो जाता हूँ क्योंकि आई लव व्हाट वार्नर डिड फॉर सनराइजर्स हैदराबाद. When you take names like, you know, अगर तुम पोलार्ड का नाम लेते हो, it's directly associated with Mumbai Indians. तुम एविलियर्स का नाम लेते हो तो तुम पता है कि आरसीबी के बारे में बात कर रहे हो. It's same with Warner and Sunrisers हैदराबाद. जिस तरीके से वो बंदा इन्वॉल्व हुआ है विद द सिटी विद द फ्रेंचाइजी एंड द वे यू गाइज आर ट्रीटिंग हिम इन लाइक लास्ट सीजन, व्हाट डू यू गाइज थिंक अबाउट इट? आई थिंक इट्स ट्रैजिक मैन, मतलब इट इज वेरी ट्रैजिक. और उसको आज नहीं खिलाना इज लाइक यू नो इट जस्ट शोज अस हाउ रिलेशनशिप आर, हाउ बैड द रिलेशनशिप इज राइट नाउ और कितना सार हो चुका है. मतलब इट इज वेरी ट्रैजिक यार, लाइक यू सेड SRH इज एसोसिएटेड विद डेविड वार्नर. आई एम नॉट अ ह्यूज डेविड वार्नर फैन पर से, बट स्टिल जस्ट एन आइकॉन ऑफ अ फ्रेंचाइज बीइंग व्हाट इट इज नाउ इज इट्स रियली इट्स ट्रैजिक. आई थिंक ट्रैजिक इज द राइट वर्ड फॉर इट. बट ऑन द अदर साइड ऑक्शन आ रहा है, आरसीबी आ सकता है, डेविड वार्नर के लिए जाओ. ओह यस, यहाँ पर ऐसा ही होगा जब तीन आरसीबी के फैन बैठेंगे. आई विल ट्राई टू थोड़ा सा यहाँ पर विघ्नेश. मनीष पांडे को कैप्टेंसी करते हुए देखा भाई आज? सब देख लिया ना, सब देख लिया क्रिकेट में मनीष. मतलब मनीष पांडे को बैक करने के लिए ही आई गेस वार्नर लॉस्ट हिज कैप्टेंसी एंड द प्लेस इन द साइड इन द कॉन्फ्रेंस. दैट आई डिडंट अग्री विद ड्रॉपिंग मनीष विद अदर्स, सो दैट बेसिकली कॉस्ट हिम द कैप्टेंसी एंड द प्लेस. एंड राइटली पुट यार, ट्रैजिक से शायद और कोई मतलब यू कांट एसोसिएट अ बेटर वर्ड. मतलब कोहली इन ऑल फेयरनेस, मतलब वो जो करना चाहा है फॉर आरसीबी, Warner has done that for Hyderabad, you know, being the leading run getter n number of times, taking them single-handedly to a trophy win. Matlab, is there anything the man has not done for a franchisee? I don't think. Matlab, Warner se jyada shayad koi loyal apne franchisee ko nahi tha. And 5-6 straight years, 500 plus runs. Absolutely. And Hyderabad is a management you don't associate with such ruthlessness, yaar. आई पता नहीं ये साल की मतलब व्हाट हैज हैपेंड एंड मोदी वीवीएस लक्ष्मण ऑल गुडी गुडी गाइस. या एब्सोल्युटली. सो इट इज वेरी सैड टू सी द मैन लीव ऑन दैट नोट. एंड मतलब या पार्टिकल वार्नर कोहली मैक्सवेल एबी वाओ. नेक्स्ट एंड केएस भरत को जीरो. मनीष पांडे के कैप्टेंसी के बारे में बात की अपन ने. मोस्ट मैचेस बिफोर कैप्टेंसी डेब्यू इन आईपीएल, ठीक है, आज उसने पहला डेब्यू किया था आईपीएल में कैप्टेंसी का. सो 153 मैचेस मनीष पांडे. उसके बाद सेकंड 137 मैचेस के बाद टायरन पोलार्ड आया, 111 मैच के बाद आर अश्विन आया वो एक सीजन के लिए शायद, देन 107 संजू सैमसन एंड 103 भुवनेश्वर कुमार. लेट्स गो बैक टू द अदर मैच जो जिसका एंड थोड़ा सा कुछ मेरे हिसाब से सबके लिए आज ऐसा था कि थैंक गॉड आरसीबी ने बैटिंग मतलब बॉलिंग चूज किया, क्योंकि फर्स्ट इनिंग सब लोग एमआई का देखेंगे, सेकंड इनिंग सब लोग आरसीबी का देखेंगे. सो व्हेन वी टॉक अबाउट आरसीबी दिस टाइम यार, ग्लेन मैक्सवेल इनसेन फॉर्म, इज नाउ लाइक जस्ट अ मिनट आई गॉट अनदर वन, मोस्ट 50 प्लस स्कोर्स इन विन्स इन द लीग स्टेज ऑफ आईपीएल सीजन. Virat Kohli 7, 2016, Glenn Maxwell 2021, 6 half centuries. And what a turnaround after that Punjab season. I think ye RCB ke liye agar koi game changer is season ke liye hai, baki sab log to the hi. But I think Glenn Maxwell is the game changer for RCB. Big time man, big show. Matlab, meko lagta hai, he never took IPL seriously, you know, matlab over the past few years. If you all remember, last he had a miserable IPL in UAE. We go back to couldn't hit a six. और सीधा हम लोग next Australia में खेल रहे T20 series और लंबे मार रहा है, लंबे मतलब immediately. And वो उसका वो video आया था पता, जिधर वो match के बाद footage के भाग रहा है. I mean that comes it up for us. उधर वो serious ही नहीं था लगता है. मतलब this is what I feel, you know. कि वो he never really took IPL that seriously over the past 2 or 3 years and now he's like चलो कोशिश हम भी कर ही लेते because he's working out. उसका हालत खराब हो गया था, dehydrated और whatever, हालत खराब था उसका, but I think उसका quality दिखता है, उसका effort कितना डालता है, डाल रहा है वो right now. मेरे को लगता है उसका result है, he was always this good, just कि वो उतना serious ही नहीं ले रहा था IPL. इग्नेश
Yes, absolutely, yaar. And Maxwell का एक और stat है. I don't think anybody playing in a single season at number four has more half centuries than Maxwell in 2021. Maxwell has six, I guess, as compared to say जिसका पांच या हाँ ऐसा कुछ था 2018 में. Fantastic यार. मतलब दो ओवर जब छः पे दो विकेट था तो मतलब it sort of like a मतलब क्या बोलते हैं उसको replica of the previous game जहाँ पे हम लोग ने 140 chase नहीं किया था and यहाँ पे but it was good to see AB you know coming in at number four RCB in this, rather than you know having him finish the game but the partnership was insane यार. मतलब they paced it beautifully. And the moment, matlab, I do rate Avesh Khan very highly as a seamer. Main to in fact chah raha tha ki he can come in for Shami as well. But the moment what he did, you know, he mocked Bharat. So that wo achha nahi tha, yaar. Matlab, you are an uncapped player. He's an uncapped player. Aap aise nahi ho ki, matlab, even if you're a legend, you don't do it right before winning a game. So that sort of mereko thoda sa in such a high intensity game, it didn't go well. But you know, as क्या बोलते हैं? It was मेरे को लगता है it अच्छा sorry मेरे को लगता है talking से ज़्यादा ऐसा था कि यार ये गलत था. मतलब it was not मतलब ये half volley था, मार सकता था और ये छूट गया. मेरे को ऐसा लग रहा था talking से ज़्यादा मेरे को ऐसा लग रहा था कि यार हाँ मतलब this was my worst ball and you could not hit it mate वैसा वाला. Exactly हाँ okay. बट एबी का कोई पोजिशन नहीं है ये साल. लाइक एबी वॉक्स इन एनी टाइम इन द गेम दे फील दे नीड दैट एबी इन. मतलब एबी जरूरत है, एबी कम्स इन. एंड लास्ट गेम भी ठीक है. मतलब इट वॉज सो नाइस लास्ट गेम. इसका पहले वाला गेम एट नंबर छह का बैट्समैन हो रहा है रेबी आ रहा है एंड वी आर स्टिल यू नो इन द गेम एज एन आरसीबी फैन विच नंबर फोर के बाद ये कभी था नहीं. ये मेरा पर्सनली ये कि तुम लोग को क्या लगता है? आई थिंक ए बी बहुत नाइसली यूज कर रहा है एंड स्पेशली कि मैक्सवेल जो खेल रहा है उसकी वजह से जो वो कुशन मिल रहा है वो फोर नंबर पे, ये ए बी को फ्लेक्सिबली यूज करने के लिए ये लोग को देव यूज इट टू देयर एडवांटेज इज व्हाट आई फील. एक्चुअली मेरे को भी ऐसा लगता था क्योंकि आज विराट कोहली ने जब स्टार्टिंग में भी बोला कि डैन क्रिश्चियन के साथ में वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, दे वर नॉट एक्सपेरिमेंटिंग विद शिखर भरत. क्योंकि शिखर भरत ये थोड़ा सा मतलब तुम सोचते हो कि ग्लेन मैक्सवेल आना चाहिए, ये आना चाहिए, एबीडी आना चाहिए, लेकिन अगर तुमको अच्छा स्टार्ट मिलता देन दे माइट सेंड ग्लेन मैक्सवेल अप द ऑर्डर और एबीडी अप द ऑर्डर. लेकिन जब तुमको अच्छा स्टार्ट नहीं मिलता है, शिखर भरत इज अ राइट ऑप्शन और उसने मेरे ख्याल से I think he has proven, मतलब आज के 78 तो ठीक ही है but मतलब best ही है, लेकिन उसके पहले भी उसने प्रूव किया है कि वो थोड़ा सा डैमेज कंट्रोल वाला इनिंग इसके पहले भी खेला है. Let's talk about RCB. Sorry. बद्रीनाथ was to CSK back then. अगर दो विकेट जल्दी गिरते हैं भरत जाओ डैमेज कंट्रोल and he sort of does it quite decently even in the MI game. Yeah, damage control ही चाहिए वो number पे ना when we lose a couple of wickets. मतलब exact right player we don't expect a lot. मतलब if he gives you the 70s 80s in us very great, नहीं तो 20-30 मार के वो भी चलेगा. No, you're doing your job enough वाला सीन. Nice. यार थोड़ा सा बॉलिंग के तरफ आते हैं. मतलब पहले तो आरसीबी का क्या प्रॉब्लम है भाई? मतलब इनको विकेट क्यों नहीं लेने? 10 ओवर के बाद में आता था कि अच्छा विकेट भी लेने होते. आई मीन क्रेजी. और किसने विकेट लिया सबसे पहला? पर्पल पटेल. मतलब और कोई नहीं लेगा, सिर्फ पर्पल पटेल. ही इज नाउ एट 30 विकेट्स बाय टू विकेट्स अवे फ्रॉम दैट लेजेंडरी आंकड़ा 32 वाला. तो पास हो जाना चाहिए. I mean, yes, he's so close now. और एक stat बताना चाहूंगा. I mean, crazy stat. Harshal Patel has now bowled 100 off cutters in IPL 2021. 100 off cutters डाला है. Conceding 120 runs and picking up 18 wickets with his variations. मतलब उसको starting में विकेट लेना ही नहीं है, सिर्फ पीछे विकेट लेना है. उन सब लोगों को बाद में आता था. And ये भी अच्छा करने लग गया कि initially बहुत ज्यादा runs देने लग गए and then चहल कम्स अप, वो थोड़ा सा रोकने की कोशिश करता है उसके चक्कर में और बाकी लोग, शहबाज अहमद कभी कभी विकेट ले लेता है, फिर हर्षल टेक्स विकेट एंड बॉलिंग उस हिसाब से आरसीबी का लेटर 10 मतलब 10 ओवर्स में ही कुछ अलग सी चल रही है. ये हर्षल पटेल फन है ना भाई ये साल बहुत.
जब भी आता है मतलब कोई एग्जैक्टली मेरे को मैंने आई हैव स्पोकन टू सो मेनी पीपल अबाउट कि व्हाट मतलब क्या है ये चलो जस्ट नॉट बीइंग द लीडिंग विकेट टेकर बट हैविंग प्रोबेबली द ग्रेटेस्ट बॉलिंग सीजन इन आईपीएल हिस्ट्री करता क्या है यही है सौ ऑफ कटर डाला है मतलब स्लो डालता है मतलब बेसिकली आंसर वो है हर्षल पटेल को विकेट क्यों मिलता है स्लो डालता है वो तो समझ रहे हो वो फास्ट बॉलर है स्लो डालता है इसलिए विकेट मिलता है बट क्या सीजन है भाई उसका मतलब बैन विद द गोल्डन आर्म फॉर 10 months नाउ मतलब आता है विकेट लेता और ग्रुप्स में ना दो लेगा तीन ले हैट्रिक ले लेगा एक दो दो तीन तीन झुंड में विकेट लेगा झुंड में लेता है वो इसमें क्रेजी क्रेजी और तो बॉलिंग का छोड़ यार विकास यार अभी क्या ऐसा खामियां ढूंढने 10 ओवर में नहीं मिले 6 ओवर में नहीं मिले समझ रहा हमारे पास एक मेरे को उसका वो फोर्थ ऑलराउंडर का अभी भी डाउट है बट आई एम हैप्पी कि आरसीबी इज बैकिंग समवन थ्रू आउट अ टूर्नामेंट मतलब एज लॉन्ग एज दे कैन विद बैटन बट अदरवाइज ठीक है यार मतलब तो समझ रहे डीसी को 160 160 हर्षल पटेल का भी क्या है एवरी वन नोज बैट्समैन नोज अंपायर नोज फैन नोज की ये स्लोअर बॉल डालेगा तो बी प्रिपेयर्ड नहीं हो रहे बैट्समैन दैट इज हिज क्रेडिट की मतलब ही इज ऑल्सो टॉप विद स्किल दिस सीजन की ही इज गेटिंग दैट विकेट और एक सिमिलैरिटी थी ये वाले गेम में और दिल्ली और आरसीबी का रिवर्स फिक्स्चर वाला दे नीडेड 6 टू विन ऑफ वन बॉल लास्ट टाइम पंत स्ट्राइक सिराज वाज द बॉलर दे कुड मैनेज 4 वी वन बाय 1 रन बट यू नो वी कंप्लीटेड अ डबल वी कंप्लीटेड एंड दैट यू नो वो पॉइंट से मैं आता हूँ दिल्ली के बॉलिंग पे और दिल्ली के फील्डिंग पे आई थिंक आज अगर किसी ने हराया है दिल्ली को तो शायद फील्डिंग ने हराया श्रेयस अय्यर ने कैच छोड़ा अश्विन ने कैच छोड़ा अश्विन को तो बहुत इजी था उसके बाद में वो जो शॉ ने पीछे छोड़ा यार वो जो नॉर्किया की बॉल के ऊपर आई मीन लाइक स्कूल लेवल क्रिकेट मतलब इतना ये हो गया एंड देन अक्षर पटेल ने भी जो आई गेस वो 2 रन जो जहां पर मैक्सवेल भाग रहा था वो भी 2 रन आई गेस नहीं था मतलब मेरी शशांक से बात हो रही थी शशांक वॉज वेरी फ्यूरियस कि यार ये क्या चल रहा है इतना खराब कैसे फील्डिंग कर सकते हो दैट्स नॉट मतलब ये ऐसे चैंपियंस टीम नहीं खेल सकते ऐसा वैसा ये सब कुछ शशांक वॉज ऑल्सो फ्यूरियस एंड कगिस और रबाडा नोबडी हैज कंसीडर्ड मोर सिक्सेस देन रबाडा इन आईपीएल 2021 रबाडा ने सबसे ज्यादा छक्के खाए And you're talking about Rabada. Now, अभी जब अगर तुम एक दो साल पहले पूछते कि अगर तुमको Rabada और Nokia में कौन तुमको retain करना है, it would have been easy choice for Delhi Capitals. But now they have to think. ये Rabada वाला stat is मतलब like last year 30 wicket season से आ रहा है आदमी मतलब most feared bowler. How quickly it changes ना भाई मतलब how quickly things have changed man. Wow. Rabada ka stat is really really shocking and Nokia yaar 19th over matlab two set backs matlab aisa lag raha tha ki it is going to be a cruise and he is bowling hard lengths not able to hit Maxwell Bharat matlab he made it almost impossible for RCB to chase 15 in the last one yaar right the top bowler too good to watch aur fielding ka to bola because sabhi coming back to tera fielding wala point बाकी सब ठीक है मैं श्रेयस अय्यर वेंट टू हाई लाइट्स के अबव गया होगा बॉल इज व्हाट आई एम गेसिंग साइड करने को अश्विन चलो फिट ही नहीं है थोड़ा एट द फैग एंड ऑफ इट वाज लैक ऑफ फिटनेस भाई वो झुकी नहीं पाया या झुकी नहीं पाया अश्विन फिर भी बूढ़ा है चलो ठीक है मैं बोल रहा हूँ ये पृथ्वी शो क्या है भाई क्या 22 साल का है वो अब 22-23 साल का उसको झुक के बॉल लेने को नहीं हो क्या सीन है उसके साथ यार मतलब अभी ये चीज तो सबसे बेसिक हो गया है ना कि ये जनरेशन के प्लेयर्स एटलीस्ट कुछ नहीं तो बेसिक फील्डिंग विच इज इन योर कंट्रोल लाइक MS धोनी बहुत सालों से बताते आते हैं कि बैटिंग बॉलिंग का तो पता नहीं यश
बैटिंग बॉलिंग तो कभी कभी तुम्हारे कंट्रोल में नहीं रहता है, लेकिन फील्डिंग इज समथिंग दैट यू कैन कंट्रोल, राइट? और उसी के ऊपर अगर यंग टैलेंट लाइक पृथ्वी शॉ अगर नहीं काम कर रहे, देन इट्स अ बैड थिंग. आई मीन यार, डीसी इन द लास्ट गेम दे वर मेकिंग हिम फील्ड एट कवर्स. मतलब फॉर हेवन्स सेक यार, मतलब आपके पास ऐसे सारे फील्डर्स हैं, आपके बेंच में स्मिथ और बिलिंग्स जैसा फील्डर है, आप पृथ्वी शॉ को कवर्स में फील्डिंग करा रहे हो. अपने ये दो भाई लोग का यार नेवर रियली गॉट गोइंग द होल सीजन बाय, एंड वी आर इन टू द क्वालिफायर्स. मतलब यार चीकू हो गए, एबीडी हो गए, मतलब थोड़ा isn't it a little bit of a concern after even after last ball six victory? Absolutely a concern, absolutely. Especially मेरे को लगता है विराट कोहली का फॉर्म में रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्वालिफायर्स और आगे इसके लिए, क्योंकि यार मतलब अगर विराट कोहली you cannot expect Glenn Maxwell to turn up every day ना, मतलब अगर एक दिन अगर ग्लेन आज का भी अगर देखा जाए तो ग्लेन मैक्सवेल set it up for you, शिखर भरत was there. लेकिन ग्लेन मैक्सवेल अगेन मतलब ये मार ये या बॉलर को अनसेटल कर, रिवर्स स्वीप कर, ये कर, जो भी जितने भी कैचेस छूटे हैं एवरीथिंग, लेकिन ग्लेन मैक्सवेल इज योर गेम चेंजर दिस अभी पिछले कुछ पिछले पूरे सीजन में बेसिकली. लेकिन अगर जिस दिन ग्लेन मैक्सवेल नहीं करता है, एंड देन यू स्टिल हैव दैट वीकनेस ऑफ नॉट हैविंग दैट सिक्स एंड सेवेंथ बैट्समैन, मतलब सिक्स और सेवेंथ नंबर पे कोई अगर तुम्हारे पास मैच विनर नहीं है, अगर तुम डैन क्रिश्चियन को साथ में लेके खेल रहे हो लेकिन यू डोंट नो यू नो कि अभी तक जिताया नहीं है बैटिंग से या फिर इवन बॉलिंग से भी, तो वो कंसर्न तो है ही डेफिनेटली. एंड वी आर गोइंग टू फेस कोलकाता नाइट राइडर्स. मेरे ख्याल से अभी चार टीम में से कोई सबसे ज्यादा फॉर्म में अगर कोई टीम जा रही है तो आई गेस कोलकाता नाइट राइडर्स इन क्वालिफायर्स, तो वो भी थोड़ा सा डिफिकल्ट तो पक्का होगा. टू वेज टू लुक एट दिस अगेन विकास, बट टू वेज टू लुक एट इट. हम लोग आराम से क्वालिफाई हो गए बिना टू ऑफ आर बेस्ट, मतलब क्वालिटी तो है यार, नो डिनाइंग दोनों का क्वालिटी, सो क्वालिटी विल शो, सो रादर लेटर मे बी, बट डेफिनेटली क्वालिटी दिखेगा. बट क्या अपने को वो थोड़ा सो दिस इज अगेन यश खुद ही सवाल करके खुद ही आरसीबी वाला खुद ही टेंशन दिया ना मेरे को, इतना टेंशन दिया ध्यान क्वेश्चन 7 पे उसका कुछ नहीं होने वाला, बोला नहीं things are not that bad also. Ek thing certain hai ki matlab we need more of Yash energy in the podcast. We definitely do. Virat matlab a player of Virat and AB's class, you expect them to turn up on the big day, matlab their presence is enough on the big day, form no form matlab doesn't matter, bas I am there kind of an energy is enough. Mera only ek jo challenge mujhe lag raha hai, ek to KKR matlab obviously if they are into we are playing the eliminator, you expect the team to be as strong as the one you are playing, but the fact is that we are going to play in Sharjah. So, वहाँ पे things might get a bit challenging where KKR have excelled and this is not a familiar territory for us coming from a Dubai kind of a wicket. So, मतलब it शायद it will be a better game than the qualifier itself. First qualifier मुझे ऐसा लग रहा है. Winner of the eliminator has chances to go on and lift the title. मुझे ऐसा लगता है. Yeah, again, Vignesh comes with like अपने बोल्ड प्रेडिक्शंस के साथ विघ्नेश फिर एक बार इस वीडियो को खत्म मतलब एंड की ओर लेके जाते हुए. सो या दैट वाज दैट गाइस, अमेजिंग डे. पिछले 3-4 घंटे में कुछ ज्यादा ही मजा आया, मतलब फोन पर देखो इधर देखो देन यू गाइस वी हैव ड्रीम 11, वी हैव बेटवे, ये सब कुछ करते करते फाइनली 3-4 घंटे में काफी केओटिक काफी एंटरटेनिंग दिन खत्म हुआ. सो थैंक यू सो मच यश, वी होप टू सी यू अगेन एंड अगेन. विघ्नेश तुम तो हो ही और रहोगे भी, ठीक है. एंड अंटिल दैट टाइम आप
प्लीज फॉलो अस ऑन आवर सोशल मीडिया हैंडल्स स्पोर्ट्स रिपब्लिक को आप सब्सक्राइब कीजिए इफ यू हैव लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सी यू सून विद द रियल एक्शन क्वालिफायर्स थैंक यू सो मच